नीतीश कुमार ने सत्तासीन को ठुकरा दिया, सत्ता से अलग कर दिया, तो बेचैनी में ये लोग जंगलराज की बात कर रहे हैं। राजद आ जाएगा इस नाम पर, समाज को बरगलाया नहीं जा सकता है। तो चाहे कोई भी कहीं चला जाए, किसी की बात को समाज नहीं सुनेगा। बिहार में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। नेता पाला बदल रहे हैं, जनता क्या करती है ये देखना होगा। ऐसे में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर शर्मा जी हैं, जानने की कोशिश करेंगे। पिछले कई वर्षों से लगातार समाज को लेकर मुखरता से बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक सेवा दे चुके हैं संगठन में। सुधीर जी, आप लोगों ने जो संगठन बनाया वो जमीनी स्तर पर उतरा भी, चुनाव में ज़्यादातर जगहों पर आपने जिन प्रत्याशी का समर्थन किया उन्हें वोट भी अच्छा खासा आया, अंत समय में कई लोग बाहर निकलते गए। फिर से एक बार खबर है कि कोर ग्रुप के आपके कई लोग संगठन छोड़कर दल की तरफ रुख कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए। देखिए, हमारा जो संगठन है वह गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, और सामाजिक मुद्दों को लेकर के राजनीति में भी उपेक्षा और अपमान के खिलाफ संघर्षत रहता है। इसलिए अगर इस फ्रंट के कोई पदधारक या समर्थक किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो कोई बहुत उससे अंतर नहीं पड़ता है, और किसी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद भी उनका फ्रंट में अगर उनकी भूमिका यथावत रहती है तो अच्छी बात है। फ्रंट तो हर दल के लोगों को साथ लेकर के चलता है, और किसी भी दल में अगर समाज की उपेक्षा होगी या उपेक्षा होती है, उसके खिलाफ अगर मुखर आवाज कोई भी उठाता है तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसलिए किसी को किसी दल में जाने से रोक नहीं है, और ना हम लोगों को किसी दल से परहेज है। हम लोगों का ध्येय वाक्य है कि न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जो अंधभक्ति की राजनीति पिछले कुछ दिनों से चल रही थी और अंध विरोध, किसी के विरोध में भयादोहन हमारा हो रहा था, उस राजनीति को पलटना चाहता है। जहां सम्मान हमें मिलेगा, जिस अनुपात में सम्मान मिलेगा, वैसा समर्थन हमारा उस दल को मिलेगा। हमारा किसी जाति से, किसी वर्ग से, किसी धर्म से या किसी पार्टी से कोई परहेज नहीं है, कोई विरोध नहीं है। इसलिए किसी को दल ज्वाइन अगर करने की बात आती है तो वह मर्जी है, अपनी अपनी मर्जी है, जिसको जिस दल में रहना है रहे। शुरुआती समय में संगठन का उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, जो हमारी प्रतिनिधित्व कम हुई, धीरे धीरे सभी पार्टियों से अलग होते गए। लगता है कि अब कहीं ना कहीं उस उद्देश्य की प्राप्ति हो पा रही है। देखिए, आगे भी वही उद्देश्य रहेगा। जो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट है वह उपेक्षा और अपमान के गर्भ से उपजा हुआ संगठन है। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, और उस वर्ग के लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब उस जाति वर्ग के लोग, जैसे आरजेडी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है यादव मुसलमान, नीतीश कुमार जदयू की कॉन्स्टिट्यूएंसी है लौकुश, भाजपा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है अपर कास्ट में भूमिहार ब्राह्मण, ये दोनों ज़्यादा मुखर होके ब्राह्मण गाली सुने और भूमिहार मुखर होके लड़ाई लड़े, और बैस अपर कास्ट के बाद बैस। तो स्वाभाविक रूप से जो सर्वाधिक प्रताड़ित हुए पिछले राजद के शासनकाल में, अब कारण शुरुआत का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जो सबसे अधिक प्रताड़ित हुए, उन लोगों को सरकार बनने के बाद धीरे धीरे लगने लगा, भाजपा के ताकतवर होने के बाद लगने लगा कि हमको अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में,
हमारी उपेक्षा हो रही है, उपेक्षा ही नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमारे साथ गलत किया जा रहा है, हमको हाशिए पर रखा जा रहा है, होशियारी से हमारे साथ ठगी हो रही है, चालबाजी हो रही है। अब इन सारे चीज़ों के का सारी बातें समाज में खोल रही थी, उसका प्रकटीकरण का मंच भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट बना और इस फ्रंट के माध्यम से हम लोगों ने बताया समाज के लोगों के का जो गुस्सा था उस गुस्से का इजहार किया और समाज को यह प्रशिक्षित किया, जागरूक करने का प्रयास किया कि आप जिस दल के लिए अपना सब कुछ मिटा दिए, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिए, हर प्रकार से अपने आप को विलीन कर दिया उस दल को ताकतवर बनाने के लिए, वह दल आपकी चिंता तो दूर आपको अपमानित कर रहा है, उपेक्षित कर रहा है, आपको हाशिए पर रह करके आपके साथ ठगी कर रहा है। तो समाज में इसके खिलाफ जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और आज भी है। और कोई भी व्यक्ति, देखिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। मुद्दा यही है हम चले जाएं भारतीय जनता पार्टी में और वहां जाने के बाद अगर समाज उसी रूप से उपेक्षित रहेगा तो कोई सुधीर शर्मा की बात को नहीं सुनेगा। मुद्दे को लोग सुनते हैं। हमारी मांग रही है कि हमारी परंपरागत जो सीटें हैं महाराजगंज की, वैशाली की, मुजफ्फरपुर की, मोतिहारी की, जहानाबाद की, जिसको लालू विरोध में हम लोगों ने कुर्बान कर दिया, होशियारी से हम लोगों का भयादोहन करके उन सीटों को, हमारी संख्या सर्वाधिक रहते भी उन सीटों पर दूसरे लोग काबिज हो गए, उन सीटों को हमें लेना है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार का एटीट्यूड जैसे पहले रखी है वही एटीट्यूड अगर रखेगी तो चाहे कोई भी कहीं चला जाए किसी की बात को समाज नहीं सुनेगा। एक सवाल, विधानसभा में जिस प्रकार से हमारे लोगों का टिकट काटा गया, हमारे लोगों को, हमारे सीटों को बर्बाद किया गया, उन सीटों अगर वैसा ही बर्ताव अगर आगे भी होगा तो समाज किसी का नहीं सुनेगा। समाज मुद्दों पर समर्थन देता है और देगा और हम लोग वॉच डॉग की भूमिका में हैं, चौकीदार की भूमिका में हैं, जागते रहो कहते रहेंगे समाज को। और कोई भी अगर गलत करेगा तो भयादोहन अब समाज का नहीं कोई कर सकता है, अगर गलत करेगा तो उसके खिलाफ समाज सामाजिक प्रतिक्रिया भी होगी और समाज उसके खिलाफ निर्णय भी लेगा। एक सवाल लगातार उठ रहा है, बिहार में तेजस्वी यादव सरकार में आए हैं नीतीश कुमार के साथ, गठबंधन बदला है, आपने भी जिक्र किया लालू राज के खिलाफ, क्या लगता है कि लालू राज जो था एक बार फिर से उसकी वापसी हो रही है, जिक्र तो वही हो रहा है बिहार में? ये मैं इसको र्यूमर मानता हूँ, मैं इसको अफवाह मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार जब तक चल रही थी, हत्या बलात्कार डकैती का दौर चल रहा था, उस समय तक कोई जंगल राज नहीं था। और अगर तेजस्वी के साथ सरकार बन गई नीतीश कुमार की और तब कहीं हत्या हो रही है तो उसको जंगल राज कहना, कौन र्यूमर उड़ा रहा है? भारतीय जनता पार्टी को लोग सुनो जी, ढंग से उड़ा रहे हैं र्यूमर। कितनी हत्याओं में हम लोग गए, कितने जगह हमारे समाज के लोगों की हत्या हुई, उसमें आंसू पोंछने के लिए भी कोई नहीं गया, भाजपा का कोई नेता। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, सहरसा में पप्पू देव की हत्या हुई, वह रहा होगा कभी अपराधी, लेकिन पीट पीट करके जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र सिंह की बेटी ने, लिपि सिंह ने उसकी हत्या करवा दी। वहां का प्रभारी मंत्री भारतीय जनता पार्टी का जीवेश, उसके घर पर आंसू पोंछने नहीं गया, क्या ये लोग बात करेंगे? जंगल राज, उससे बड़ा जंगल राज क्या होगा? जो किसी केस में वांटेड नहीं है उसको पीट पीट करके रामचंद्र सिंह की बेटी है लिपि सिंह ने, और वह रामचंद्र सिंह इन लोगों के लिए प्रिय हो गया, वह जीवेश और विजय आज के दिन में नेता की नेता हो जाएंगे और जंगल राज की बात करेंगे इसलिए कि भारतीय जनता नीतीश कुमार ने सत्ता से इनको
ठुकरा दिया, सत्ता से अलग कर दिया, तो बेचैनी में ये लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। मोतिहारी में हत्या हुई, बगल में वैशाली में, करनौती गांव में 14 साल की लड़की के साथ स्कूल जाने वाली लड़की भूमिहार समाज की, उसको बलात्कार करके मार दिया। एक नेता जो है भारतीय जनता पार्टी का उस घर में झांकने नहीं गया, दुख प्रकट करने नहीं गया। हम लोगों ने उस बेटी को न्याय दिलाने का काम किया, वहां जा करके, गांव में जा करके, पुलिस से बात करके, प्रशासन से बात करके, कोर्ट में केस लड़ करके। कौन भाजपा का नेता गया था वहां? वह जंगल राज नहीं था। मोतिहारी में हत्या हो रही थी, गया में हत्या हो रही थी, इनके मंत्री रहते, सरकार में रहते, तब कहां थे बाकी लोग, भाजपा के नेता लोग? ये जंगल राज वगैरह की बात इसलिए ये बेचैनी में कर रहे हैं, सत्ता चली गई है तो बौखलाहट में कर रहे हैं। पॉजिटिव राजनीति करनी चाहिए, निगेटिव राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है कि नीतीश कुमार पॉजिटिव राजनीति कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार बहुत लंबे वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के शासनकाल की समीक्षा के लिए बहुत व्यापक समय चाहिए, उतना समय आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार एक सफलतम नेता तो है। क्या आपको क्या लगता है, दिन तक 24 में समाज किस तरफ रुख करेगा? इतना दिन तक मुख्यमंत्री रहने के बाद एक बात आप ध्यान दीजिएगा, विरोधी भी कोई नीतीश कुमार के ईमानदारी पर संदेह नहीं करता है। नीतीश कुमार बेईमान नहीं है, नीतीश कुमार वंशवादी नहीं, और नीतीश कुमार जो है एक संतुलित राजनेता का नाम है हिंदुस्तान में, ऐसे लोग बिरले होते हैं। इसलिए अब कमियां तो होती हैं, इतने लंबे समय तक शासन रहा है। 24 में समाज किस तरफ रुख करेगा आपको क्या समाज लगता है? समीक्षा करेगा, अभी कुछ भी कहना प्रीमैच्योर होगा। समाज समीक्षा करेगा, लेकिन इतना तय है कि एक पक्ष ऐसा बन के कि अपना अस्तित्व मिटाकर किसी के कमल को हम खिलाएं, अपना अस्तित्व मिटा करके हम खाद पानी बन करके किसी के फसल को लहलाएं, वह अब नहीं होगा। लालू आ जाएगा इस नाम पर, राजद आ जाएगा इस नाम पर, समाज को बरगलाया नहीं जा सकता है। वोट दे हम और राज करें नित्यानंद राय। क्या क्या बातें हो रही है, नित्यानंद राय को जान का खतरा है। जो आदमी दर्जनों हत्या का सूत्रधार है, जो आदमी कितना जमीन कब्जा किया है हाजीपुर में, जो आदमी कितना रंगदारी से अपनी लाइफ का स्टार्ट किया है, टेम्पो स्टैंड से लेकर के सारा चीज का ठेकेदारी रंगदारी, वह गृह राज्य मंत्री बन आज रहते हुए उस पर उसकी जान खतरे में हो गई। क्या नौटंकी कर रहे हो? जंगल राज, जंगल राज के परिणेता तुम लोग ज्यादा हो। आपके साथ जो आ गया वो सही हो गया। रामचंद्र सिंह, मैं तो कह रहा हूं, उसकी बेटी लिपि सिंह ने पप्पू देव के की हत्या कर दी पीट पीट करके। वह रामचंद्र सिंह जो जहानाबाद में चंद्रशेखर चंद्रवंशी को सांसद बनाया, नीतीश कुमार की भूमिका नहीं थी उसमें। वह रामचंद्र सिंह भाजपा में चला गया, ठीक हो गया। संजय जायसवाल राजद का उम्मीदवार 2005 में वैशाली से, वह सही हो गया, राजद से भाजपा में आ गया, प्रदेश अध्यक्ष होकर के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। ये सब बेकार की बातें हैं। अब समाज इस प्रकार की, इन प्रकार की बातों में नहीं आएगा। समाज समीक्षा करेगा, समाज देखेगा वेट एंड वाच के अनुसार, समय स्थान परिस्थिति के अनुसार वोट करेगा। स्थानीय उम्मीदवार जो अच्छा लगेगा उसको वोट करेगा, पार्टी जो अच्छा करेगी उसको वोट करेगा। समाज एक तरफा अंधविरोध में नहीं जाएगा, और न समाज अंध समर्थन में अपने को कुर्बान करेगा, इतना आप तय मानिए। देखिए, 2024 चुनाव को लेकर जब तैयारियां शुरू हुई है, तो ऐसे में अलग अलग दलों का जो समीकरण है वो अलग अलग है। देखना ही होगा आने वाले दिनों में परिणाम क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।